हे एलिवन, दिस रिक द परफॉर्मर। बहुत दिनों से एक ऐसा वीडियो बनाने का इच्छा था मन में, और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, दिस इज़ अ रियलिटी। वीडियो के अंत तक देखना, आई कैन गारंटी यू, जो लोग मुझे पसंद करे ना करे, बट मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखो, लास्ट तक देखो। अगर मेरा एक भी बात गलत हुआ और एक भी शब्द गलत हुआ तो मेरे कमेंट सेक्शन में जो मन में आए बोलो। तो मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। यस, आपने सही सुना, कंप्लीटली चेंज हो सकता है आपका जो लाइफ अभी जैसे जिस गति से जा रहा है। इट कैन बी चेंज इन 180 डिग्री, 360 नहीं बोलूँगा, तो वापस उसी जगह पे आ जाएगा। तो 180 डिग्री एंगल पे चेंज हो सकता है अगर आप मेरे जो बताए हुए चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ध्यान देके सुनेंगे। तो पहले तो बात यह है कि सब लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, एवरी वन इज़ फाइटिंग टू विन। मैं भी जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, और जायज़ भी है, जीतने के लिए ही लड़ना चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि वो अव्वल आए, बाकियों से आगे निकले, सब लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, एवरी वन वर्किंग इन दैट वे। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो है ना, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, उनमें से दो तीन प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो जैसे नॉर्मल भागते हैं, अब्बल आने के लिए भागते हैं। कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही भागते हैं, सिर्फ कटने के लिए। कुछ लोग भागते हैं अब्बल आने के लिए, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं, सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। कुछ लोग, और बहुत रेयर ऐसा केस है जहाँ पर अगर कुछ नहीं मिला, अगर हार गया तो फिर से जज्बा जितना है उसको कलेक्ट करके फिर से स्टार्ट करते हैं, ऐसा लोग थोड़ा सा कम है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ये पर्टिकुलर अभी फेज स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, कि आप लोग हमेशा कोशिश करो, अगर जीत गए तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब काम करो जीतने के मोटिव दिमाग में रख के, बट दिल में ख्वाहिश रखो कि तुम हार जाओ। आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे, हाँ करेक्ट, बिकॉज आप अगर हारते हो ना, और उस हार को अगर आप कुछ ऐसे में तब्दील कर देते हो कि मैंने, जैसे मान लो कि आप अगर प्यासे प्यासी हो, आपको प्यास लग रहा है, आप पानी पीना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आपका प्यास एक ही बार में बुझ जाता है तो आपको इच्छा होता है क्या बाद में पानी पीने का? नहीं, तो हमेशा पूरे गिलास पानी मत पियो, थोड़ा सा प्यास जमा करके रखो। तो ये इन फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना प्यास बढ़ेगा ना उतना ऊर्जा बढ़ता जाएगा आगे अचीव करने के लिए, वो जो इच्छा है ना वो और बढ़ता जाएगा। तो ये अंदर का प्यास बरकरार रखो। मैं तो चाहता हूँ हमेशा हारने के लिए, क्योंकि आप हारते हो ना, कम से कम मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगर हारता हूँ ना तो मुझे ऐसा होता है कि फिर मेरे को जीतना है नेक्स्ट, ठीक है। और कंपैरिजन मत करो किसी के साथ कि ये कर रहा है तो मैं भी वो करूँगा, ये वो कर रहा है तो मैं भी वो करूँगा, ये कंपैरिजन में मत करो। तुम्हारे हिस्से में जो तुमको बेस्ट लगे ना वही करो। मैक्सिमम मैं लोग देख रहा हूँ अभी आजकल के ज़माने में, जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हैं, मतलब ये उसी लाइन पे जा रहे तो मुझे भी करना, ये उस लाइन, ये नहीं सोच रहे कि वो उसका पैशन है, वो चाहता है दिल से वो करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम लोग सिर्फ फॉलो और नकल करने में, फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं करूँ म्यूज़िक में, तो मुझे देख के अगर कोई म्यूज़िक करना चाहता है अच्छी बात है, लेकिन उसको ये भी समझना चाहिए जो ये सोच रहा है कि मुझे भी म्यूज़िक करना चाहिए, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, वो क्या चाहते हैं। अगर मैं ब्लॉग करना चाहता हूँ तो ये मेरा पैशन है कि मैं ब्लॉग करना चाहता हूँ, तो उसको देख के अगर कोई सोचे कि मुझे भी ब्लॉग ही करना है तो गलत है। तुमको ये सोचना है तुमको क्या पसंद है, कि तुम्हारे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसमें फोकस करो, ना कि दूसरों को फॉलो करो। दूसरों को फॉलो करो बट वो जैसे मैं बता रहा हूँ आपके, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैंने वो मूवी देखा था थ्री इडियट। तो थ्री इडियट में एक लाइन है कि आप कामयाबी के पीछे मत भागो,
आप सक्सेस एक्सीलेंस के पीछे भागो। ये एक्सीलेंस, मैटर ऑफ एक्सीलेंस कब आता है पता है दोस्त आपको? सिर्फ ये मूवी नहीं है, इसमें सीखने का बहुत चीज़ है। एक्सीलेंस तब आता है जब आप पैशन के उस लेवल तक पहुंच जाओ, और ये पैशन जो है ना, ये किसी को देख के नहीं आता, वो खुद से आता है। आप अपने मन में झांको कि आपको चाहिए क्या। आप जब तक ये नहीं समझोगे कि आपको चाहिए क्या, आप कितना भी हाथ मारो इधर उधर ये वो फलाना, एक्चुअली वो सक्सेस आने वाला नहीं है। और चाहे वो चीज़ कितना भी कठिन हो, अगर आपने मन में झांका कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता, चाह हालांकि आपको उतना म्यूजिक नहीं आता, फिर भी आप म्यूजिशियन बन जाओगे। दिस इज द मैजिक, क्योंकि आपने जो झांका है ना, और आपको अंदर से आवाज़ है मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, तो आप डेफिनेटली म्यूजिशियन ही बनोगे। लेकिन आपने झांका और आपने देखा आप कुछ और बनना चाहते हो, आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, या फिर आप बनना चाहते हो पेंटर, या फिर आप बनना चाहते हो कोई और आपने दूसरों को नकल करके कुछ और बनने की कोशिश किया, तो जाके प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ गौर रखो, हमेशा हारने की कोशिश करो, जीतने का मनोभाव रखो। अगर हार गए तो उसको सेलिब्रेट करो, बिकॉज इफ़ यू आर एक्चुअली लॉस द गेम लूज द गेम देन यू आर लकी। अगर आप हारते हो तो आप लकी हो कि आपको जीतने का फिर एक मौका मिलता है। जो जीत जाता है एक बार, जैसे मान लीजिए किसी एक रेस में अगर आप एक बार जीत गए, किसी एक टाइटल मिल गया, तो वो वाला मज़ा नहीं आता दोबारा उसी टाइटल को जीतने में। वो अगर आप किसी टाइटल को हारते हो तो आपको दोबारा मज़ा मिलता है उस टाइटल को जीतने में। साथ में आप ऐसा प्रैक्टिस करते हो कि उसके इर्द गिर्द और भी जितने भी टाइटल से वो भी जीतने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, जीतने की कोशिश रखो, हार गए तो उसको सेलिब्रेट करो, अपना लाइफ चेंज करो, दिल के अंदर झाको, जो पसंद है वही करो, दूसरों को फॉलो मत करो। दूसरों को फॉलो करोगे फंस जाओगे, क्योंकि तुमको पता नहीं तुम जिसको फॉलो करो उसका मोटिव कुछ और ही है। सो स्टे ट्यून दोस्तों, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए और एंजॉय करते रहिए। लव यू ऑल।